नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म जो रिलीज हुई है उसके रिव्यू के बारे में और इसकी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा इस फिल्म में लीड रोल में अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव, जूही चावला जैसे स्टार देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये फिल्म इंडिया में 1600 स्क्रीन में रिलीज हुई है और इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 40 करोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों, ये फिल्म वुमन सेंट्रिक फिल्म है। इस फिल्म को बेहतरीन सुपर डुपर रिव्यू मिल रहे हैं। दोस्तों, क्रिटिक्स और पब्लिक्स की तरफ से इस फिल्म को 3.5 से 4 स्टार मिल रहे हैं। दोस्तों, दर्शकों को ये फिल्म पसंद आ रही है। ये एक लव स्टोरी पर आधारित फिल्म है। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, उस हिसाब से इस फिल्म को बताया गया है। बेहतरीन तरीके से कैसे इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी आ रही है अब तक की वो है 10% आ रही है दोस्तों। पर ये रिव्यू के बाद आज वर्किंग डे होने की वजह से इसकी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी नाइट के शो में और इवनिंग के शो में बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये अभी तक की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी आ रही है वो 10% आ रही है। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।